उत्तरी इसराइल हिजबुल्ला के हमलों से वीरान हो चुका है। यहाँ पर चारों तरफ खंडर पड़ी इमारतें और जहाँ तहाँ छिपे बैठे आईडीएफ के जवान हैं। लाखों की संख्या में रहने वाले सेटलर्स अब यहाँ से जा चुके हैं और मौजूदा हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ही उत्तरी इसराइल का बॉर्डर इलाका फिर से आबादी से गुलजार होगा, क्योंकि उत्तरी इसराइल के बॉर्डर इलाकों में हिजबुल्ला लगातार भीषण हमले कर रहा है। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने नियोत मोर्देचाई सेटलमेंट पर भी हमला कर दिया है और ये पहली बार है जब हिजबुल्ला ने इस सेटलमेंट को निशाना बनाया हो। हिजबुल्ला ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें हिजबुल्ला के कुछ लड़ाके पहले तो रॉकेट को लॉन्चर में फिट करते हुए नजर आते हैं और फिर ये लड़ाके एक के बाद एक करके इन रॉकेट्स को फायर कर रहे हैं और ये रॉकेट दूर बनी आईडीएफ की पोस्ट पर जाकर गिरते हैं। इसी बीच एक रॉकेट आईडीएफ के एक सैन्य टावर पर जा टकराता है। इसके बाद रात के अंधेरे में हिजबुल्ला के लड़ाके ताबड़तोड़ तरीके से रॉकेट फायर करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि नियोत मोर्देचाई सेटलमेंट किरियत शमोना के दक्षिण पूर्व में स्थित है जो उत्तरी अलजलील का हिस्सा है और ये इलाका लेबनान बॉर्डर से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको बता दें कि हिजबुल्ला ने जाऊरा इलाके में भी कई राउंड्स कत्यूशा रॉकेट दागे हैं। इसके साथ ही मर्ज, सुमाका और रास अलीन इलाकों पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड फायर किए गए हैं। यहाँ तक कि हनीता सैन्य चौकी पर भी हिजबुल्ला ने गोला बारूद दागा है। वहीं इजरायली मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिजबुल्ला ने इसराइल पर 100 से ज्यादा रॉकेट्स दागे हैं। इसको लेकर किरियत शमोना के मेयर ने चैनल 13 से पुष्टि की है कि हिजबुल्ला के हमलों में 5 नए सेटलर्स यूनिट क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा गलीली, किरियत शमोना, दिशोन, बेथले और तेलहाई में करीब 12 आग बुझाने वाली टीमों को रवाना किया गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक ये आग सेटलमेंट्स और खेती वाली जमीन पर फैल गई थी। इजरायली मीडिया का कहना है कि अकेले 65 रॉकेट्स गलीली पेनहंदेल इलाके पर दागे गए थे। जबकि कुछ रॉकेट्स खुले इलाके में आकर गिरे थे जिससे आग लगने की घटनाएं हुई हैं। आईडीएफ के मुताबिक एक प्रोजेक्टाइल शतुला के बॉर्डर के पास और 5 रॉकेट पश्चिमी वेस्टर्न गलीली के जारीत में फायर किए गए थे और इसके बाद शाम को एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किरियत शमोना इलाके में दागी गई, जबकि 30 रॉकेट गलीली पनहंदेल पर फायर किए गए। हालांकि आईडीएफ का कहना है कि हिजबुल्ला के हमलों से कोई नुकसान नहीं हुआ है। और इन हमलों के बीच आईडीएफ ने हिजबुल्ला के हमलों पर पलटवार भी किया है। आईडीएफ के मुताबिक इसराइल के लड़ाकू जेट्स ने दक्षिणी लेबनान के कोनीन और काब्रिका में बने लॉन्चर्स को एयर स्ट्राइक में उड़ा दिया। आईडीएफ ने इसका वीडियो भी जारी किया है। आपको बता दें कि जिस वक्त हिजबुल्ला उत्तरी इसराइल को दहला रहा था उसी दौरान इराक से एक ड्रोन इसराइल की तरफ फायर किया गया था जिसे आईडीएफ ने मार गिराने का दावा किया है। इस हमले को लेकर आईडीएफ का कहना है कि पूर्वी दिशा से एक ड्रोन इसराइल की तरफ बढ़ रहा था जिसे इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। ये ड्रोन इसराइल के एयर स्पेस में घुस नहीं पाया था।
आपको बता दें कि ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया ने इस ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली है और इससे पहले भी इराकी प्रतिरोधी समूह इसराइल पर दर्जनों ड्रोन हमले कर चुका है।